अच्छा जी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि ब्रेक के बाद आके विगो टर्न स्पोर्ट्स कार के लिए सवालात करूंगा। मुझे वो सारे कंटेस्टेंट चाहिए जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर। अब्दुल गुफरान आइए, अरीब, अरीब कौन थे, सुल्तान साहब आप तो मुझे याद हैं, आइए, आयशा सैयद, और कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, एक और कौन, जूबिया, जूबिया, जूबिया कौन है, आइए जल्दी से। ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने सवालात के सही सवाल के सही जवाब दिए थे। खुशनसीब हैं ये लोग, मोबाइल तो विन कर दिया आपने विगो टेल की तरफ से, लेकिन आज है बड़ी रात, आज आप अगर जीतते हैं तो विगो टेल की तरफ से ये स्पोर्ट्स कार जाएगी आप में से किसी भी एक खुशनसीब के साथ। आइए जनाब, अब आप 5 लोग हैं, मेरे पास सवालात हैं 6। मैं एक सवाल करूंगा, जिसको जवाब आता होगा वो हाथ उठाएगा पहले। आप लोग जरा लाइट में आइए, करीब आइए, जिसने पहले हाथ उठाया मैं जवाब उसी से पूछूंगा। गाड़ी जीतने के लिए 4 जवाबात का सही देना जरूरी है, 2 गलतियों की गुंजाइश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए जी शुरू करते हैं। विगो टेल की स्पोर्ट्स कार हो सकता है आज किसी के साथ चली जाए। पहला सवाल, माइक में कोई नहीं बोलेगा, काशिफ माइक ले लो सबसे, जो पहले हाथ उठाएगा उसको तुम, मैं बताऊंगा किसको माइक देना, उसको माइक देना। आप लोग रेडी है, पहला सवाल, बाइसिकल पर तेज तरीन रफ्तार का रिकॉर्ड किसके पास और कितना है, कितना है निकाल दें, सिर्फ पूछूंगा किसके पास है। चले, बाइसिकल पर तेज तरीन रफ्तार का रिकॉर्ड किसके पास है, प्लेयर का नाम, किसी को जवाब आता है। मैं काउंटडाउन दूंगा आप लोगों को, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये गलती आप सबसे हो गई एक, मैंने कहा था 2 गलतियों की गुंजाइश है, 1 गलती आप सबसे हो गई है। नाम था इनका रोमपेलबर्ग ऑफ नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के थे रोमपेलबर्ग, 167 माइल्स पर आर की रफ्तार से इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा सवाल गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान का नाम क्या है, पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान का नाम क्या है, ऑप्शन नहीं है आज, आज गाड़ी है। सुल्तान साहब कह रहे हैं ऑप्शन दो, रोजाना ऑप्शन दूंगा आपको मैं, है बताइए जरा। विगो टेल की तरफ से स्पोर्ट्स कार, आप जवाब देंगी, अगर आपने जवाब दिया और गलती हो गई तो ये आपकी गलती काउंट हो जाएगी, गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने हाथ उठाया है, माइक ले जाके दो, आपका नाम क्या था, जूबिया, जूबिया, फिर से सुन ले, पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान का नाम बताएं, सोच समझ के, पाकिस्तान की पहली खातून साइंसदान का नाम, आपके जहन में क्या 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे ये मेरी कजन का नाम है ना, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बताइए तुक्का मार ले मैं, 10, समीना, समीना व्हाट, आगे क्या है, मर्तजी था, पता नहीं तरमजी था, दोबारा बोलिएगा, समीना, मर्तजी, तरमजी, समीना तरमजी सही जवाब, क्या बात है यार। हर सवाल पे गाड़ी थोड़ी थोड़ी बाहर निकालना, और अगर आप में से कोई नहीं जीता मैं वापस खुद लगा दूंगा, निकालो भाई उस्मान का, थोड़ी थोड़ी गाड़ी बाहर निकालते जाओ। 2 सवालात मैंने किए हैं, 1 जवाब सिर्फ, नाम आपका, जूबिया, जूबिया ने अभी तक 1 जवाब दिया। सुल्तान साहब गाड़ी जा रही है, देख ले आप, चलो भाई तीसरा सवाल, IBF किन अल्फाज का मुखफ्फफ है, ये आसान है मुझे लग रहा है, IBF किन अल्फाज का मुखफ्फफ है, 3 आपको ऑप्शन देता हूं, चलो आपको पता है, माइक दो, अगर मुझे पता है क्योंकि IBF किन अल्फाज का मुखफ्फफ है, आपको भी पता है, आपने पहले हाथ नहीं उठाया, लेकिन खैर अगर इन्होंने जवाब दिया और गलत दिया मैं आपसे पूछूंगा, IBF किन अल्फाज का मुखफ्फफ है,
इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। जोर से बोलिएगा। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ब्रिलियंट सो फार, बहुत आला। बहुत मुश्किल जवाब आते हैं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन जबरदस्त खेल रही हैं आप। सिर्फ दो जवाब दूर हैं वीगोटेल की इस स्पोर्ट्स कार से, और आप लोग बहुत दूर हैं। आप लोग तैयारी करके नहीं आए क्या? आप लोग क्या समझ रहे थे बहुत आसान सवाल होंगे? सुल्तान साहब, जनाब, अब ये दो जवाब के, इन्होंने दो सवाल के सही जवाब दिए, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टोटल तीन सवाल पूछे हैं, ये चौथा सवाल आप लोगों के लिए। कायद आजम की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या था? ये तो पता होना चाहिए। कायद आजम की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या था? आप देंगे माइक, माइक, माइक। कायद आजम की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या था? फातिमा जी। माइक बोले, जोर से बोले। क्या बोला आपने अभी? जो बोला क्या बोला? कायद आजम की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या था? बतूल जी। बतूल नहीं जी, गलती हो गई है, आप बाहर हो गए। एक तो गलती भी हो गई, आपने चार में से कोई जवाब नहीं दिया, आप वापस। सुल्तान साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, अब ये गलती काउंट होगी सबकी, अगर किसी ने नहीं दिया आपकी भी हो जाएगी। वीगोटेल की तरफ से ये स्पोर्ट्स कार है, वीगोटेल पाकिस्तान का नंबर वन बेस्ट सेलिंग फोन है, उनकी तरफ से ये स्पोर्ट्स कार आज ही किसी के साथ जा सकती है। कायदे आजम की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या था जी? किसी को जवाब आता है? माइक दीजिए सुल्तान साहब को। फातिमा भाई। नहीं, गलती हो गई सुल्तान साहब, फातिमा नहीं था उनका नाम। आप प्लीज बैठ जाइएगा, जाके रह गए आप तीन लोग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी को जवाब नहीं आता है, ये देना चाह रहे जवाब? कुलसुम। नहीं जी, गलत जवाब, आप भी जाके बैठ जाएंगे। नाम था सफिया। अब ये गलतियां आप सबकी हो गई हैं, इंक्लूडिंग यू। आपने दो सवालों के सही जवाब दिए हैं चार में से, और दो के गलत जवाब दिए हैं, आप कोई जवाब नहीं दे पाई हैं। आप वापस जाके बैठ जाइए, आपकी भी गलतियां काउंट हो गई हैं चार। अब मेरे पास टोटल दो सवालात हैं, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप कोई गलत जवाब देती हैं या जवाब नहीं देती हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, फिर आप कार नहीं जीत पाएंगी, शायद मैं आपको एक मोबाइल दे दूं। दोनों सवालात के सही जवाब देना जरूरी है। रिलैक्स, लाइट में आइए, फर्दर खेलता हूं आपके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली का दारुल हुकूमत क्या है? मैं आपको तीन ऑप्शंस दूंगा, वेटिकन सिटी, सेंटियागो या लंदन। गौर से सुनिएगा, चिली का कैपिटल क्या है, दारुल हुकूमत? वेटिकन सिटी, सेंटियागो या फिर लंदन। गलती जाके आपको आपकी चेयर में बैठा देगी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर ये जवाब सही देती है गाड़ी थोड़ी सी और आगे आ जाएगी। सेंटियागो। चिली का कैपिटल है सेंटियागो। चिली का कैपिटल लंदन। नहीं था सेंटियागो, बिल्कुल सही जवाब। सच सच बताइएगा, तुक्का मारा है या पता था? तुक्का मारा है यार, बहुत सारी थाली होनी चाहिए इस तुक्के के ऊपर यार। मैंने टोटल पांच क्वेश्चंस किए, उसमें से तीन के जवाब सही दिए हैं, दो आपने गलतियां की हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास। आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास, ही आसान सवाल आते हैं यार, आसान पूछ ले। बहुत आसान है यार, आखिरी क्वेश्चन के लिए नहीं, ये नहीं पूछूंगा मैं। सवाल आप भिजवाओ काशिफ,
ये आखिर में क्वेश्चन बहुत आसान है। सवाल आसान नहीं होने चाहिए, ऐसे ही थोड़ी विगोटेल की कार है, स्पोर्ट्स कार है, वो या तो जाएगी आपके साथ या फिर यही रहेगी अगर आप इस सवाल का सही जवाब देती हैं, तो मैं आपको विगोटेल की गाड़ी दूंगा। अगर आपसे गलती होती है तो मैं आपको विगोटेल की तरफ से 2 मोबाइल फोन दूंगा। आर यू रेडी? आपके साथ कोई आया है? कौन है? मेरी बहन है। आइए भाई, कौन है इनकी बहन? आ जाओ जल्दी से, हो सकता है आप इनका लकी चार्म हो। लेकिन अब सवाल मुश्किल है। अच्छा जी, उसके बाद अभी नहीं। आओ जल्दी से आओ। हाँ जल्दी से आइए। अच्छा जी, रेडी है आप? 3 सवाल के सही जवाब हो गए, आखिरी सवाल है, गलती की गुंजाइश नहीं है। 2 सवाल हैं और दोनों मुश्किल हैं। हवा में अगर कोई सुन भी ले और किसी को आता हो, और अगर मैंने सुन लिया कि मुझे यहां से जवाब आया, मैं इनका जवाब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। किसी ने गूगल में देख के भी जवाब नहीं देना है। विगोटेल की तरफ से स्पोर्ट्स कार है जनाब। हवा में ऑक्सीजन गैस कितने फीसद है? कोई नहीं बोलेगा, गूगल पे देख के भी खामोश रहेंगे। हवा में कोई नहीं बोलेगा। हवा में ऑक्सीजन गैस कितने फीसद होती है? विगोटेल की तरफ से स्पोर्ट्स कार है, 1 सवाल दूर। अगर आप सही जवाब दोगे ये गाड़ी आपकी, अगर गलत जवाब दोगे जाके बैठोगे, मैं दूंगा 2 मोबाइल फोन। क्या बोला? 21 21। तुक्का, आखिरी सवाल ये पता है। था तुक्का नहीं है, थोड़ा थोड़ा था। आप मोबाइल दिखाइएगा अपना, काशिफ चेक कर, ये गूगल तो नहीं करी? नहीं। हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा पता है। सही है? मेरा भी देखा है। आपको पता है? थोड़ा थोड़ा पता है। पक्की बात है? मैंने आपसे सवाल किया हवा में ऑक्सीजन गैस कितने फीसद है, आपने जवाब दिया 21 फीसद। हवा में ऑक्सीजन भले ही 21% हो या ना हो, ये गाड़ी 100% आपकी है। क्या बात है! आइए आइए आइए, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, विगोटेल की तरफ से स्पोर्ट्स कार जाएगी। विगोटेल की तरफ से ये स्पोर्ट्स कार, बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! विगोटेल की तरफ से स्पोर्ट्स कार जा रही है जनाब। हमारे साथ विगोटेल के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है अदनान गौरी साहब, वो आएंगे और अपने हाथों से आपको इस गाड़ी की चाबी देंगे। आइए अदनान गौरी साहब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। विगोटेल की तरफ से पहली स्पोर्ट्स कार जा रही है मेरी बहन के साथ। यहाँ पे आइए, जल्दी से आइए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। विगोटेल की तरफ से पहली स्पोर्ट्स कार विन की है। आपका नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ? सूबिया ने विन की है जनाब पहली स्पोर्ट्स कार, बहुत बहुत मुबारक। माइक दीजिएगा अदनान को, माइक दीजिएगा जी। बहुत बहुत मुबारक हो कि विगोटेल की तरफ से आपको कार। सच सच बताइएगा कैसा लग रहा है, एक गाड़ी तो चली गई। बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेली सूबिया, बेहतरीन खेली है। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल सवाल थे, लेकिन शानदार जवाब, शाबाश, बहुत मुबारक हो आपको विगोटेल की तरफ से ये कार। विगोटेल पाकिस्तान का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग फोन है। मैं हर वीक एक ऐसी गाड़ी सबको दूंगा, यहाँ तैयारी करके आना है। 4 लोगों को या 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करूंगा, यहाँ बुलाऊंगा, आखिर में इस तरह का फाइनल होगा और एक गाड़ी किसी ना किसी के साथ जाती रहेगी। एक बार ढेर सारी तालियां इन दोनों के लिए हो जाए। बहुत बहुत मुबारक, प्लीज हैव अ सीट। बहुत बहुत मुबारक हो। काशिफ भी गाड़ी वापस लगाइएगा।
वी गोटेल की तरफ से जनाब पहली स्पोर्ट्स कार तो चली गई है, रह गई है तीन। अब ये तीन आप में से भी किसी की घर जा सकती है और आप लोग भी जीत सकते हैं। मैं हर वीक के एंड पे यानी कि सैटरडे को या संडे को किसी भी दिन फाइनल कराया करूंगा। कुछ सवालात होंगे बहुत मुश्किल, इसलिए आप लोगों ने तैयारी करनी है। और जो भी जीतेगा ये वी गोटेल की कार उसके साथ चली जाएगी। कोई ना तोड़ सके ऐसा रिकॉर्ड बना, आसमान तक गूंजे जीत का शोर मचा, बनना होगा हिम्मत का दूसरा नाम। अब मुश्किल को मुश्किल में डालना होगा, क्योंकि इसका आम से खास छह टीम्स और योर स्क्रीन। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान में। पहली रमजान से चांद रात तक शाम 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।